जी फाइनली समय आ गया है जिया और बेबी के घर आने का। यहाँ पर इतना सारा बलून जो है फूल चुका है और सभी को अपसेट किया जा रहा है। भैया पहुँच गए जी, डिस्चार्ज का सारा फॉर्मेलिटी हो रहा है। यहाँ पर जो भी पेपर वर्क है, पर जो है हमारा बालक वह सो रहा है, उसको सोने देते हैं। जितना देर नींद लेना है, कुछ सेकेंड की बात है, कुछ मिनट की बात है, बाद में घर में नींद लेगा वो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। कर रहा है बेटा, आप ही ले रहा है। आंटी के हाथ में आते जग गया तू, जग गया तू। दादी बोलो, दादी दादी दादी। ऐसा मौका में हुआ कि दोस्त दोस्त मिले। देख रहा है पापा को, देख रहा है आंटी के पास। उसको मन लग गया, दादी के गोद में रहेगा। दादी वहाँ से छोड़ करके नाती पहले ले आई, ये गोता ले आई। पोता ठीक है, पोता मेरा आ गया क्या? एक पोती हो गई, एक पोता हो गया। पोता तो चार है, उसे चार पोता। पहले पोती हुई, फिर नाती हुआ, फिर पोता। हाँ, पहले पोती फिर नाती, पहले नाती तब पोती, पहले ना हो तब फिर नाती फिर पोता, ऐसे ऐसे हुआ है। अभी अभी भैया को जो हुआ है। हाँ हाँ, ये बताओ तुम। बहू अरे नाती छो छुलाई, टुक टुक देखे छो मिठाई, विदा बेर फूट कोयल हम देखबे तर बहुना। जे कहियो नाती बोले तब न कहै छी स्वांग सब के हुआ। और कहियो त ए बेटा इधर देख रहा है। और का बहुआ के, बहुआ के नाती दरिया उठ के गोड़, बहुआ के नाना बड़ा चोर, बहुआ के नानी बड़ गोर, बहुआ के नाना बड़ चोर, बउआ के चश्मा वाली दादी तारिये गेल बउआ के चश्मा वाली देखिए कैसे देख रहा है तारिये गेल। उठ गए जी सुबह सुबह। जिया का जो यह बेड है, इस पर हम ही सो गए थे क्योंकि जिया अभी उधर उठ के बैठी हुई है। तीन दिन के बाद नहीं, तीसरे दिन है। उसके बाद जो है यहाँ दादी जो है अपने पोते को लेकर के बैठी हुई है, दूध पिला रही है। दूध पिला रही है क्योंकि अपने पापा की तरह ना भूखा नहीं रह पाता है। अच्छा। पीता है थोड़ा ही लेकिन शोर बहुत करता है। शोर बहुत करता है। जैसे इसका टाइम पूरा होता है, चिल्लाना चालू। टाइम पड़ता है इसको, एक सेकंड। जोर से कान है जी, आधी ठानी में उठ गए ना, एक ही बार सीटी बजाता है बहुत तेज। बहुत तेज, पापा की तरह कहेगा दादी नहीं कुछ है तो बिस्किटे दे दो, नहीं कुछ है ना तो क्या लाई हो दादी, वही दे दो, वो दे दो। हम कहेंगे चुप रहो, तुम्हारे पापा भी ऐसे करते थे, चुप रहो। ऐसे कहेंगे नहीं, कहेंगे हम अपने पोता लाल को बिस्किट मंगा के रख देंगे, नमकीन रख देंगे भर के। आप देखिएगा टाइम एग्जैक्ट वही टाइम है, अगर उसको टाइम पे नहीं दिया दूध पी लिया जी। अब इसके खाने को पचाया जा रहा है। अब वो डकार कर दो एक बार, ये डकार शायद कर चुका है पहले ही, और अभी खेल रहा है एकदम दादी के कंधे पर। सर एकदम करा कर लेता है, ये ना अपने दीदी का कपड़ा पहन लिया है, दीदी का। अभी इसको बेचारा को नहीं कुछ है, कुछ भी पहना देते हैं। दीदी का ये मेरी पोती भी हो गई। आप लोग कहते थे ना जब पोती कहिए पोती, तो हम पोती नहीं है दिए भगवान, हमने पोती का कपड़ा पहना दिए। इधर कटिया जाएंगे घूमने, वहाँ भी चाय पियेंगे दूध का, क्योंकि पानी वाला दूध का चाय पीते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल। फिर आपके नानों के यहाँ जाएंगे, अच्छा अच्छा दूध मिलेगा, उसका चाय पी जाएंगे। ठीक है, बताओ तू जाना है वहाँ पे। दादी पोता चलेंगे, चुप चाय पी लेंगे, बाबू दूध पी लेगा, चुपचाप आ जाएंगे। चुप यहाँ पर एक चाय आ गया एक्स्ट्रा। जिया का पीने का तो मन बहुत ज्यादा है, जिया भी पी नहीं सकती है। जिया के
कपल भी था पीने वाला, अब तो शकल ठीक कर ली, तभी चाय आगे से जब ले लिए ना, हम तो कह रहे थे इसके शकल दे के दे दो उनके पापा के, नहीं अभी इसको बोला है जी, क्योंकि अभी नहीं देना चाहिए, डॉक्टर नहीं बोले हैं, आपके बात भी सही है, तब दिखाएगा ना देखिए आप तो 150 रुपया लेगा ना, ₹150 नहीं ले तो नाक सुकड़ा पे जो 300 का बेलो, हाँ 300 ले बा कते ले बा क्या तो ले जैसे वकील साहब जो सुन, हाँ 100 रुपया ले भी ये देख गर्दन कर लेता है तेरा दादी ने जेल ले तो चार पर क्या को दादी तेरे समय के प्यार में ठीक करे ना, हाँ खाता है सोता है हेलो हेलो है परना तीफ ले परना तीफ ले बड़ा के ना खली पूरा दे वकील की बात करी है क्या ते ना बाबी बाबी जी फाइनली समय आ गया है जिया और बेबी के घर आने का। जी हाँ आज वो लोग हॉस्पिटल से हो रहे हैं डिस्चार्ज, हमार मम्मी जाएंगे उसको रिसीव करने के लिए, हम और रितु घर का काम संभालेंगे और मना बच्चा और पेशेंट का काम संभालेगी, अच्छा भगवान चाहेंगे तो इसी तरह पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए हमको रितु आई कहा मम्मी आप जाइए खाना खाने, हम कहने सोनू मुझे होटल में खिलाता है, हम सोचते वही खा ले इसी बहाने, लेकिन रितु हमें तब भी करेला भुजिया चावल आलू परवल की सब्जी दाल खिला के भेज रही है, तो हम सोचे बहुत ही स्वाद है इसमें खा के जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गाड़ी को साफ करने के लिए, गाड़ी साफ करके उधर से कैश भी निकलना है, हाँ तो जल्दी जाओ गाड़ी साफ करके, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा दोनों बहू का गोद समय से भर जाए, अच्छा। एको का तो भर गया आप लोग के आशीर्वाद से, दूसरे का भी भर जाए, क्योंकि मेरे नज़र में कोई किसी से कम नहीं। तो वहाँ पर फ्लावर वाले भैया आ गए हैं, वहाँ तो वो सजा रहे हैं, हमने सोचा है कि यहाँ जो फ्रंट गेट है या जो सीढ़ी है उसके बाद एक गेट और है वहाँ, और उसके बाद जो बेडरूम का गेट है वहाँ तक पूरा एकदम सजा देंगे, साथ ही हमने सोचा है फूल लेते आएंगे, फूल ला करके जो यहाँ पर थोड़ा सा छिड़क देंगे तो एक अच्छा लुक देगा, तो देखते हैं बाकी कैसा सजाते हैं भैया, वैसे आज तक जब भी उनको बुलाया है अच्छा ही सजाया है, और आज देखते हैं कैसा है, और आज तो बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट है, हमारा बेबी आ रहा है पहली बार इस घर में, तो स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आ गए हैं जी अपना फोर व्हीलर निकालने के लिए, अंदर में गाड़ी रखी हुई है तो गाड़ी को पहले साफ करेंगे, साफ करने के बाद जो है यहाँ से निकलेंगे सीधा घर, घर में जाके अपनी मम्मी को लेंगे, मम्मी को लेने के बाद फिर निकलेंगे हॉस्पिटल, और वहाँ से सारा सबको जो भी प्रोसेस होगा डिस्चार्ज का मुझे नहीं पता है क्या है कैसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं जी जो भी होगा सिंपल ही होगा, उसके लिए क्या सोचना है, तो जाते हैं जल्दी से गाड़ी साफ करते हैं। तो फाइनली जी गाड़ी की हो गई है सफाई, इसको लेकर के आए हुए हैं अभी बाहर, टायर में जो है थोड़ा सा हवा डलवा रहे हैं, तो हवा डलवा करके सीधा निकलेंगे घर, वहां पर लेंगे मम्मी को जो कि हमारे मौसी हुई, तो उनको लेकर के सीधा चलेंगे हॉस्पिटल, और बाकी साग सजावट तो सब कुछ हो ही रहा होगा वहां पर, भाई देख ही रहा है घर पे। पहुंच गए जी घर के पास, गाड़ी को वहाँ फील्ड में ही लगा दिया है क्योंकि अंदर है गली, गाड़ी को जो है घुसाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो सीधा चलते हैं घर, मम्मी को ले आते हैं और बैठा देंगे यहाँ पर, धूप तो पूछिए मत इतनी जबरदस्त धूप है, लेकिन अभी जो अंदर जोश है जो खुशी है उसके आगे ये धूप सब भी कुछ भी फील नहीं होता। तो मम्मी यहाँ पर तैयार है जी, बलून भी यहाँ पर लग चुका है और अंदर अभी भी चल रहा है सर डेकोरेशन, तो जा करके देखते हैं कैसा चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर इतना सारा बलून जो है फूल चुका है और सभी को अपसेट किया जा रहा है, भैया थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि 1 बजे आ जाएंगे, 12:30 बज गया है, यहाँ पर यहाँ सब लग चुका है जी। पहुँच गए जी हॉस्पिटल, अब सीधा चलते हैं अंदर, गाड़ी को उधर लगा दिया है पार्क में, और यहाँ तो गार्ड भाई साहब कोऑपरेट कर रहे हैं पार्क में लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जाम अच्छा खासा है तो वो बहुत कोऑपरेट किए। क्या स्पेलिंग बोलिए तुम? SHASHWAT शाश्वत। पहुँच गए जी डिस्चार्ज का सारा फॉर्मेलिटी हो रहा है यहाँ पर, जो भी पेपर वर्क है और भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा साथ रहा है इनका, तो ऐसे ही साथ देते रहिएगा, देखिए अब का मौका मिलता है। सारी फॉर्मेलिटी हो गई है जी पूरी, और डिस्चार्ज पेपर भी हमें मिल चुका है, अब हम निकलने के लिए तैयार हैं, और अंदर जो है जिया सब अब तैयार हो रही है निकलने के लिए, और बाकी जो है मिठाई सब जो है ले आए हैं, और डॉक्टर जो मैम है उनको पर्सनली जा करके दे आते हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, तो यहाँ पर फैमिली से कम महसूस नहीं हुआ, और हम थैंक यू कहना चाहेंगे आयुष को जिसने लगातार साथ दिया शुरू से लेकर अंत तक, जब हम कटिहार आ रहे थे तो सोच रहे थे कि कहाँ पर एडमिट कराया जाए, तो हमें ध्यान आया कि एक दोस्त है हमारा आयुष, उसकी माँ तो डॉक्टर है और वो इसी प्रोफेशन में है,
तो आयुष से हमने कॉन्टैक्ट किया और आयुष ने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू आयुष, जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतना बहुत कम है। अगर आंटी जी ये ब्लॉग देख रही है, अगर नहीं देख रही है तो आयुष तुम ये मैसेज पहुँचा देना। आंटी जी थैंक यू। फाइनली अब चल रही है घर। जिया का चेहरा जो है आप देख सकते हैं कि कितना फीका पड़ चुका है। कोई बात नहीं, कुछ दिन में आ जाएगा ब्लॉग। और वहाँ पर जो है हमारा बालक वह सो रहा है, तो उसको सोने देते हैं। जितना देर नींद लेना है, कुछ सेकंड की बात है, कुछ मिनट की बात है, बाद में घर में नींद लेगा वो। तो जल्दी से सब कुछ पैक कर लिया जाए, तो जाते हैं आंटी जी के यहाँ और उनको मिठाई दी जाते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है जी, अब यहाँ पर ले रहे हैं भाई साहब से दवाई। और यहाँ पर जब भी रहे तो काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा इनके साथ। अनिल जी यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेलिटी थी सब कुछ पूरा हो गया, जो भी चीज़ था सब कुछ पूरा हो गया। और हमारे बेबी का भी टाइम हो गया घर जाने का, बहुत दिन रह गया हॉस्पिटल में, अब सीधा चलते हैं घर। ये अभी तैयार है, मोबाइल रख लो, तो मोबाइल ही रह जाएगा। अच्छा चाबी मेरा वही है, चल रहा है। चलो चलो, दम कैसे नहीं, माँ को दम ऐसे भी रहता है, यही तो दुनिया का नियम है। वो कितनी भी बीमार रहेगी, कैसी भी रहेगी, लेकिन उस समय वो अपने बच्चे के लिए हर हमेशा तैयार रहती है। चप्पल पहन लो। हाँ चप्पल लो, पहनो। चलो जीने से, जीने से। मम्मी जी इसको कोई पकड़ लीजिए दिया। हाँ जी हाँ जी। अनिल जी हम गाड़ी निकाल करके आ गए हैं बाहर और जिया सब वहाँ से आ रही है, तो इंतजार कर रहे हैं। जिया सब अंदर आएगी तो सभी को लेकर के चलेंगे। आगे कर लें। तो सभी लोग बैठ चुके हैं जी, यहाँ पर पापा भी आ रहे हैं और यहाँ पर जो जाम लग चुका है, ज्यादा देर गाड़ी को रोकते नहीं, सीधा चलते हैं। पापा बैठ गए? हाँ चलते हैं, चलिए। तो पहली बार बाबू जा रहे हैं हमारी गाड़ी से। बिल्कुल, बाबू की भी हो गई सवारी। वैसे जब पेट में था कम से कम 2-3 स्टेट घूम लिया था उस समय। इसके गाड़ी से नहीं जा रहा है, ये खुद जा रहे हैं अपने गाड़ी से। ये अपने खुद गाड़ी ओनर है। वो तो है, पता कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। बोलो मम्मी, भगवान चाहेगा तो जैसा पापा लिए उसे और अच्छा गाड़ी हमारा होगा, वो भी लाल बत्ती वाला होगा।